हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर में, चैप्टर 6 डिवीज़न। डिवीज़न में आपने अभी तक जो पढ़ा था वो डिवीज़न में आपने पढ़ा था डिवीज़न फैक्ट फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच डिवीज़न फैक्ट। इससे पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। यस, तो बच्चों आपको डिवीज़न फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट तो बहुत ही इजी चैप्टर लगा है, हैं वेरी सिंपल। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, फाइंड द क्वेटेंट। ओके, फाइंड द क्वेटेंट आपको डिवीज़न करना है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिवीज़न फाइंड कीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई करने के लिए बच्चों आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो क्या है, जैसे डिवाइडिंग इज इक्वल टू क्वेटेंट इनटू डिवाइज़र। ओके, डिवाइज़र से आप क्वेटेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगी तो जो डिवाइडेंट है वो आप चेक करेंगी, तो डिवाइडेंट और आपका जो मल्टीप्लिकेशन आया है दोनों का क्वेटेंट एंड डिवाइज़र का दोनों इक्वल एक सेम आएगा तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है आपको, डिवाइड करना है 3392 को डिवाइड करना है 2 से। बच्चों इसमें डिवाइडेंट क्या है, यस डिवाइडेंट इज 3392 एंड डिवाइजर इज 2। अब आपको क्या फाइंड करना है, क्वेटेंट। तो नाउ स्टार्ट, हम किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखते हैं, यस सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा हुआ है 3392 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 एक डिजिट है इसलिए हम 1 डिजिट लेते हैं, यानी 3। 3 इज ग्रेटर देन 2। ओके, हमेशा टेबल ऐसा पढ़ना चाहिए जो कि डिवाइडेंट से कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे 2 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल आना चाहिए या फिर उससे कम। ओके, 3 वन ज़ा 3। अब आपको टेबल पढ़ना है 2 का। ओके, तो 2 का टेबल पढ़ना है 3 से अधिक न जाए, तो 2 वन ज़ा 2। यदि हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे 2 टू ज़ा 4 अधिक होगा बच्चों, इसलिए कितने टाइम्स पढ़ेंगे, यस 1 टाइम्स। अब आप 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए, तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर कितना आया, यस 1। एंड टेक नेक्स्ट डिजिट 3। बच्चों हम जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास डिजिट होंगी। ओके, ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट डिजिट है 3। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 1 था, साथ में अब 3 ले लिया, तो कितने हो गए नंबर 13। 2 का टेबल पढ़िए कि 13 से अधिक नहीं जाए, 2 सिक्स ज़ा 12। ओके बच्चों, क्योंकि 2 सेवन ज़ा 14 अधिक हो रहा है ना, इसलिए आपको लेस देन पढ़ना है। तो अब आप क्या करेंगे, 2 सिक्स ज़ा 12, 12 फिर से 13 से आप 12 को माइनस कीजिए, तो कितना बचेगा 1, रिमाइंडर कितना है 1। एंड टेक नेक्स्ट डिजिट 9। 9 लेंगे तो बच्चों आप क्या हो गया नंबर यहाँ पे, यस आप 2 से डिवाइड करना है 19 को, तो 2 के टेबल में 19 आते हैं, नो तो आपको लेस देन 19 पढ़ना है। ओके, 2 का टेबल पढ़िए, लेस देन 19 होना चाहिए, तो कैसे पढ़ेंगे, 2 नाइन ज़ा 18। अब 19 माइनस 18, रिमाइंडर क्या है बच्चों 1। अभी मेरे पास 1 डिजिट और है, क्या है वो 2, यानी कि 2 सिक्स ज़ा 12, नो रिमाइंडर, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचो ना, इसलिए अब हम अपना आंसर वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्वेटेंट इनटू डिवाइज़र। तो बच्चों क्वेटेंट क्या है, यहाँ पे आए 1696। अब इनटू डिवाइज़र क्या है बच्चों, 2। जब हम 1696 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए डिवाइडेंट। डिवाइडेंट इज क्या है,
3992। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ये भी किया है, डिवाइजर्स से हमने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर डिवाइडेंड, देखिए यहाँ भी 3 3 3 3 9 2, ओके 3 3 9 2 आंसर, यानी मेरा डिवीजन जो डिवाइड मैंने किया है ये क्वेश्चन मेरा राइट है। ओके बच्चों, तो इसी प्रकार से हम अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यस, आपको डिवाइड करना है 11,168 को डिवाइड करना है 16 से। तो बच्चों मेथड तो वही होगा, उसी प्रकार से आपको अब 16 का टेबल पढ़ना है। 16 का टेबल पढ़ना है कितने टाइम्स, यस 16 का टेबल ऐसा पढ़िए। अच्छा 16 यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 16 में कितने डिजिट हैं, 2 हैं। अब आप डिवाइडेड में 2 डिजिट लीजिए, वहाँ क्या हो जाएगा 11, 11 इज़ लेस देन 16, सो टेक 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर यहाँ क्या हो जाएगा 111। ओके बच्चों, अब आपको 16 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि लेस देन 111 होना चाहिए। तो आपने पढ़ा 96 लेस देन 111, अब सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस 6 इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो टेक बोरो, आपने क्या किया यहाँ 11 हो गया, 11 से 6 को जब आपने माइनस किया तो कितना हो गया 5, और यहाँ कितना बचा 10, 10 माइनस 9 1, टेक नेक्स्ट डिजिट इज 6, आपने 6 ले लिया, यहाँ पर 156 हो गया। अब आपको 16 का टेबल पढ़ना है कि 156 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेस देन 156 होना चाहिए। ओके ठीक, तो अब आप क्या करेंगे 69 जा 144, बच्चों अब फिर से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1, एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास वन डिजिट और है 8, तो हम लेंगे 8, यहाँ पर अब कितना होगा 128। तो बच्चों 16 का टेबल पढ़ेंगे 16 8 जा 128। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या है बेटा 698, एंड यहाँ पर डिवाइजर कितना है 16। हमने फिर से अपना क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहिए कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग। मैंने क्या किया यहाँ क्वेश्चन से डिवाइजर को फिर से मल्टीप्लाई किया, तो क्वेश्चन इनटू डिवाइजर इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई आया था वो हमारा डिवाइडेड, डिवाइडेंट है ये देखिए 11168, मेरा आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। तो इसी प्रकार से आप भी अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ओके बच्चों, बिना आप आंसर शीट देखे हुए आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को। ओके तो अब आपको ये समझ में आ गया, अब दिए गए क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे, साथ में डेट मेंशन करेंगे, चैप्टर एंड एक्सरसाइज, बच्चों सभी का वर्क कंप्लीट होना ज़रूरी है और सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके बच्चों, बाय बाय।